सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो टॉप 10 न्यूज़ ते मैं तुहाडे नाल रुमन बाजवा। खबरां दा आगाज़ करांगे फटाफट अंदाज़ दे विच। हिंद चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पुरब लाल किले में मनाया जाएगा। गुरु जी का प्रकाश पुरब मनाने लिए केंद्र सरकार वालों लाल किले से दो दिन प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। 20-21 अप्रैल में होने वाले इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। उधर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए इस विच पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है। केंद्र की सत्ता के काबिज भारतीय जनता पार्टी अज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। अज के दिन सारे आगमों के वर्करों नूं भगवे रंग दीआं टोपियां पहन के सदन विच आउण लई कहा गया है। भाजपा हैडक्वार्टर विखे प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं पार्टी के जनरल सकत्तर तरुण चुग ने कहा कि पार्टी 7 अप्रैल तो 20 अप्रैल तक देश भर में समाजिक न्याय के मुद्दे से प्रोग्राम आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि इस मुहिम दौरान पार्टी वर्कर मोदी सरकार दीआं लोक भलाई स्कीमां बारे जागरूकता फैलाउणगे। तरुण चुग ने दसा कि 14 अप्रैल में BR अंबेडकर जयंती मनाने लिए मुहिम दौरान प्रोग्राम भी उलीके जाएंगे। पंजाब में जित तो बाद हुण आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में भी तैयारियां तेज कर दी ने। दरअसल आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मंडी में एक शानदार रोड शो कर रहे हैं। रोड शो तो बाद केजरीवाल इतिहासिक सेरी स्टेज से जनसभा भी कर रहे हैं। दस दिए कि आप पार्टी ने अपने चोन प्रचार लिए मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह खेत्र मंडी नूं चुने। देशवासियों से महंगाई की तिहरी मार जारी है। पेट्रोल ते डीजल दी कीमतां च अज एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा होया। इस वाधे तो बाद 16 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर का वाधा होया। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 104.61 रुपये प्रति लीटर तो वध के 105.41 रुपये प्रति लीटर, डीजल की कीमत 95.87 रुपये प्रति लीटर तो वध के 96.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इस तो अलावा हुण मुंबई में पेट्रोल की कीमत 120.51 रुपये प्रति लीटर, डीजल की कीमत 104.77 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इस दे नाल ही एक बार फिर CNG की कीमत में भी वाधा किया गया है। पंजाब विच गैंगवार दी घटनावां रुकन दा नाम नहीं लै रहियां ने। हुण पंजाब दे पटियाला जिले विच एक कबड्डी खिडारी दी गोली मार के हत्या कर दी गई है। मृतक दी पछाण तरमिंदर सिंह पिंड दाऊं कला वजों हुई है। जानकारी मुताबिक पंजाबी यूनिवर्सिटी दे सामने पेट्रोल पंप दे पिछे किसी गल नूं लैके बीती रात 2 गुटां विचाले गोलीबारी हो गई, जिस विच कबड्डी खिडारी दी मौत हो गई। घटना दी CCTV फुटेज विच इह सामने आया कि 2 गुटां विच तकरार तों बाद गोलीबारी हुई, जिथे 2 नकाबपोश व्यक्तियों ने तरमिंदर सिंह गोली मार दी। करीब 45 मिनट तक लड़ाई चली है, पर इस तो बाद 2 नकाबपोश व्यक्तियों ने तरमिंदर सिंह गोली मार दी। दसा जा रहा है कि गोली चलाने वाले लारेंस बिश्नोई गैंग से संबंधित दसे जा रहे हैं। दूजे पास घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच के कार्रवाई आरंभ दी है। पटियाला में एक ही रात 2 कतल के नाल सनसनी का माहौल बन गया है। पहला यूनिवर्सिटी के कोल कबड्डी के क्लब के प्रधान का कतल, उस तो बाद माता काली देवी के सामने नौजवान का कतल होया। मृतक का नाम प्रितपाल सिंह है, जिसकी उम्र 18 साल दसी जा रही है, जो काली माता मंदिर के सामने एक होर मंदिर विखे मत्था टेकन आया। उस उत्ते कुछ नौजवानों वालों चाकुओं नाल हमला कर दिया गया। इस नाल प्रितपाल सिंह की मौत हो गई। प्रितपाल के पिता मुताबिक उन्होंने प्रितपाल के दोस्तों से कुछ रिश्तेदारों उत्ते शक है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उते ही घटना की सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच आरंभ दी है। कतल के कारण का पता लगाया जा रहा है, ताजो आरोपी तक पहुंचे जा सके। पुलिस को पता लगन तो बाद ADCP ACP समेत होर अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मुलजमान की पाल की, पर उन्होंने कोई सुराग नहीं मिल पाया। हाल ही कड़ी पुलिस ने शिकायत से गैंगस्टर सुखा बाड़े वाले समेत 6 व्यक्तियों खिलाफ अगवा फिरौती मंगन आम एक्ट तहत केस दर्ज कर लिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी के बरगाड़ी कांड को लेकर सिख जथेबंदियों वालों इंसाफ की मांग को लेकर आज बरगाड़ी विखे वड्डा मोर्चा किया जा रहा है। बरगाड़ी कांड को लेकर जथेबंदियों वालों इंसाफ की मांग की जा रही है, तो वड्डा इकट्ठ किया जा रहा है। नैशनल हाईवे जाम करने का भी ऐलान किया गया है। आज वक्त पर जथेबंदियां बरगाड़ी में वड्डा इकट्ठ करके सरकार खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पटियाला के हलका देहाती में पिंड चिलच किसानों वालों इकट्ठे होकर उस वक्त एक मोटर से लगे मीटर को हटा दिया गया, जदों उन्होंने वालों यह दोष लगाया गया कि यह मीटर चिप वाले मीटर ने जो असली नहीं लगाया गया। उन्होंने सरकार को अपील की कि नवे मीटर ना लगाए जाने ता जो पंजाब में भाईचारा बरकरार रहे। उन्होंने सरकार को यह भी मांग की है कि जो उन्होंने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान किया, ऐलान पूरा किया जाए।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਐਮਡੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਟੌਪ 10 ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰੋਸਰ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ 'ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।